हेलो व्यूअर्स, दिस इज प्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज। क्या आपको पता है रिवर्स 2 टाइप की होती हैं? एक जिसमें पानी कभी खत्म ही नहीं होता, उसे बोलते हैं हम हिमालयन रिवर, और दूसरी जिसमें समर्स में पानी सूख जाता है, तो उस रिवर को बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। तो आज इस चैप्टर में हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज। किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज। और बहुत सारी रिवर्स आके अगर एक रिवर में मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। अब वाटर डिवाइड किसे बोलते हैं? अब आप इस फिगर में देख रहे हैं 3.1 में ये वाटर डिवाइड जहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक तरीके से माउंटेन है जो कि स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी की जो रिवर है उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। तो अब ये जो अलग कर रहे हैं तो यानी कि वाटर को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। अब देखिए डू यू नो में लिखा है कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो कौन सी है? अमेजोन रिवर, जो कि हमारी साउथ अमेरिका में है। आप मैप में देखना एक बार कि साउथ अमेरिका में अमेजोन रिवर कहाँ पे लाई करती है। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, अब इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम कैसा है वो देखते हैं। अब जो इंडियन रिवर्स है वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो रखी है, फर्स्ट हिमालयन रिवर में और सेकंड पेनिनसुलर रिवर में। और जो हिमालयन रिवर में जो जितना भी पानी होता है वो पूरे साल भर रहता है, कभी वो रिवर सूखती नहीं है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर में क्या होता है कि यहाँ पे रिवर सूख जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई या रेनफॉल नहीं हुई उसकी वजह से रिवर्स यहाँ पे सूख जाती है। लेकिन हिमालयन रिवर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? पेरिनियल। इट मींस दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। और जो हिमालय की रिवर होती है वो बहुत बड़ी बड़ी, बहुत लंबी लंबी होती हैं, जो कि हिमालय से लेकर पूरे सी तक जाती हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा लंबी होती है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपको एक ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये फिगर में, फिगर 3.3, सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स। अब देखिए क्या क्या फीचर्स हैं जो रिवर मेड करती है, बनाती है। तो सबसे पहले रिवर हिमालय से आई, जो कि हमारा सोर्स ऑफ रिवर। अब जो ऊपर वाला साइड है उसे क्या बोलेंगे? अपर कोर्स। और धीरे धीरे करके मिडल में आई रिवर, तो इसे बोलेंगे मिडल कोर्स। और धीरे धीरे करके ये फिर सी में जाती जा रही है, तो मियंडर्स बना रहे, जो लहरे टाइप है ना देखो, तो उसे बोलते हैं मियंडर्स। और ऑक्सबो लेक, यानी कि कुछ जो पार्ट है वो हट गया है रिवर से, तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सबो लेक। और जो लास्ट में पार्ट है जहाँ पर ये रिवर सी में मिल रही है उसे बोलते हैं हम डेल्टा, यानी कि ये डेल्टा बना रही है। देखो ये जो पॉइंट है जहाँ रिवर सी से मीट कर रही है उसको बोलते हैं हम डेल्टा। अब देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल, मतलब जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो सीजनल होती है, कि अगर सीजन पे डिपेंड होती है। अगर रेनी सीजन है तो बहुत अच्छे से फ्लो करेगी, बहुत ज़्यादा पानी होगा, लेकिन अगर समर सीजन है तो वो सूख जाती हैं। और बहुत छोटी छोटी रिवर होती हैं, ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर के बारे में। तो हिमालयन रिवर में जो मेन रिवर्स है ना वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखो 3 रिवर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालयन रिवर की, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मैं आपको मैप के थ्रू कराऊंगी जिससे कि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। जो इंडस रिवर है वो हमारी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और ओरिजिनेट होते होते धीरे धीरे करके लद्दाख में जाती है, फिर पाकिस्तान में, और फाइनली ये अरेबियन सी में चली जाती है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब गंगा देखिए उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, और ये कहाँ पे जाके एंड होती है? ये होती है बे ऑफ बंगाल में। और नेक्स्ट है हमारी ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से ही होती है ओरिजिनेट होते होते फिर धीरे धीरे करके अरुणाचल प्रदेश में आती है, और यहाँ पे यू टर्न लेकर ये बांग्लादेश में मिक्स होके और फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। तो हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले इंडस की ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे गई थी इंडस। अब इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, यानी कौन कौन सी रिवर्स इंडस में मिल रही हैं, वो है हमारी झेलम, चेनाब, रवि और सतलुज रिवर। अब नेक्स्ट है हमारा गंगा रिवर। अब गंगा रिवर में जो है हिमालय रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज मिक्स हो रही हैं,
और पेनिसुलर भी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं। तो जो हिमालय से आ रही है वो वाली देखते हैं, वो है हमारी यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। और जो पेनिसुलर वाली है वो है हमारी चंबल, बेटवा और सोन। तो ये आपको अच्छे से मैप में दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मैप आता है रिवर का। अब देखिए जो गंगा है और जो ब्रह्मपुत्र है वो जहाँ पे मीट कर रही है यानी कि मिल रही है फाइनली, तो वहां पर ये सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाती हैं दोनों रिवर्स। तो अब हमने इंडस का देख लिया था ट्रिब्यूटरीज और गंगा की भी ट्रिब्यूटरीज देख लिया है। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। वो है दिहांग और लोहित रिवर। अब ये हो गई है हमारी पूरी हिमालयन रिवर सिस्टम। अब पढ़ेंगे हम पेनिसुलर रिवर कौन कौन सी है, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी ईस्ट की साइड फ्लो करती हैं। और जो वेस्ट की साइड फ्लो करती हैं वो है हमारी नर्मदा और तापी। तो हम इसको भी मैप के थ्रू करेंगे। अब जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वो ओरिजिनेट हो रही है हमारी अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात से होते हुए टच होते हुए और ये फाइनली अरेबियन सी में मिक्स हो रही है। और ऐसी हमारी तापी रिवर, तापी रिवर मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट हुई, फिर धीरे धीरे करके महाराष्ट्र में गई और गुजरात का पार्ट टच करते हुए फिर ये अरेबियन सी में जा रही है। और ये बहुत छोटी छोटी रिवर्स होती है क्योंकि ये पेनिसुलर रिवर है, क्योंकि हिमालयन रिवर्स होती है जो बहुत बड़ी बड़ी होती है। पेनिसुलर रिवर जितनी भी होती है वो छोटी ही होती है, ये हमेशा याद रखना है। अब आ जाते हैं हम ईस्ट फ्लोइंग, जो ईस्ट वर्ल्ड की साइड फ्लो कर रही है रिवर। तो इसमें फर्स्ट है हमारी गोदावरी। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होते हुए ये बे ऑफ बंगाल तक जा रही है। ये लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है और ये ओरिजिनेट हो रही है महाराष्ट्र से और फाइनली ये कहाँ पर ड्रेन हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। इसकी जो लेंथ है वो है 1500 किलोमीटर। और ये कौन कौन सा पार्ट कवर कर रही है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप मैप में देखते जाना तभी लर्न होगी अच्छे से रिवर। और जो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। और जो लास्ट ट्रिब्यूटरीज है जो मंजरा और वेनगंगा और पेनगंगा है वो बहुत लार्ज है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसलिए दक्षिण गंगा भी बोलते हैं गोदावरी बेसिन को। महानदी बेसिन, अब महानदी बेसिन कहाँ से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ से, और ये उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है फाइनली। और जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 860 किलोमीटर। और कौन कौन सा एरिया जो कवर करती है वो देखते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। अब हमारा है कृष्णा बेसिन। अब कृष्णा बेसिन का देखते हैं, अब ये कहाँ से राइज हो रही है, महाबलेश्वर से। और इसकी जो लेंथ है वो 1400 किलोमीटर है और ये फाइनली कहाँ पर जा रही है, बे ऑफ बंगाल में। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो देखते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज है तुंगभद्रा, कोयना, गतप्रभा और मुसी और भीमा। अब आते हैं हम कि ये कौन कौन सा पार्ट कवर करती है, ये करती है महाराष्ट्र का पार्ट कवर करती है, कर्नाटका का और आंध्र प्रदेश का। अब लास्ट है हमारी कावेरी रिवर। अब कावेरी बेसिन राइज कहाँ से हो रही है, ब्रह्मगिरी रेंज से, वेस्टर्न घाट के, और ये कहाँ तक जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है फाइनली। तो ये तमिलनाडु वाला एरिया पूरा कवर अप कर रही है। और इसके जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है अमरावती, भवानी, हेमावती और कबिनी। और ये कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे ड्रेन करती है, वो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। जो कावेरी है वो सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है पूरे इंडिया में, जिसे बोला जाता है चौक फॉल। अब देखिए हमारा हिमालय रिवर भी हो गया, इसमें इंडस रिवर हमने अच्छे से कर लिया है, अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। और गंगा रिवर सिस्टम भी हो गया बहुत अच्छे से हमारा, और हमारा ब्रह्मपुत्र भी बहुत अच्छे से हमने कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और पेनिसुलर रिवर में भी हमारा सारा हो गया, जैसे नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, या महानदी, कृष्णा, कावेरी, लेक्स। लेक्स बहुत अट्रैक्टिव प्लेस होती है टूरिस्ट के लिए, यानी कि टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस एरिया में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग बहुत अच्छी होती है, बोटिंग बहुत अच्छी होती है, लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सारे वाटर गेम्स होते हैं। आपने सुना भी होगा नैनीताल और श्रीनगर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लेक्स होते हैं। तो ये नेचुरल भी होते हैं और मैनमेड भी होते हैं। अच्छा, हमें पता तो चल गया कि लेक्स कैसे बनते हैं,
जो मियांड्रिंग रिवर्स होती हैं उसमें से थोड़ा सा पार्ट जो कट जाता है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था फिगर में, फिगर 3.3 में, सम फीचर्स मेड बाय द रिवर, उसमें ऑक्सबो लेक था, तो हमें पता चल गया कि लेक्स कैसे बनती है। तो अब जो लेक्स होती हैं वो कुछ सीजनल्स भी होती हैं और कुछ होती है जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। अब जो सीजनल वाली होती है वो है हमारी सांबर लेक इन राजस्थान, अगर रेनफॉल होती है यहाँ पे तो ये लेक में पानी हो जाता है, नहीं तो ये सूखी पड़ी रहती है। और कुछ रिवर्स होती हैं, कुछ लेक्स होती हैं जिसमें पूरे साल भर पानी रहता है। वो कहाँ से आता है पानी? वो ग्लेशियर से यानी कि माउंटेन से आता है, जैसे कि वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर रहता है पूरे इंडिया के कंपैरिजन में, जैसे कि हमारा डल लेक हो गया, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, भरा पानी, ये सारी जो लेक्स हैं इसमें बहुत फ्रेश वाटर रहता है। अब कुछ लेक्स हैं जो मैन मेड है, जैसे कि गुरु गोबिंद भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, ये वाली जो लेक्स हैं वो हमारे द्वारा बनाई गई हैं डैमिंग के पर्पस के लिए। और लेक्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती हैं, डैम वगैरह बनता है यहाँ पर, और टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अट्रैक्टिव प्लेस होती है ये, तो इनके भी काफ़ी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में क्या रोल है रिवर का वो देखते हैं। इरिगेशन यानी कि पानी अगर चाहिए एग्रीकल्चर के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिवर, क्योंकि हमें पता है रिवर के आसपास इरिगेशन बहुत अच्छा होता है और यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस होता है ये, नेविगेशन के लिए बहुत अच्छा होता है रिवर, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में भी बेनिफिशियल होती हैं। अब रिवर पॉल्यूशन, अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है वो पूरा ऐसे ही रिवर में डाल देते हैं, पूरी गंदी कर देते हैं रिवर को, तो ये चीज़ गलत है ना। आप पूरी रिवर को गंदी कर रहे हो, उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं जैसे कि फिश हो गया, और भी काफ़ी काफ़ी एनिमल्स होते हैं उसमें, तो वो सारे भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वो मर जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए, बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए रिवर को, और ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वो पॉल्यूट हो। अब इसको बचाने के लिए, रिवर को बचाने के लिए काफ़ी सारे प्लान्स भी किए गए हैं, जैसे कि आपको इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, तो ये प्लान बनाया था गवर्नमेंट ने। इसमें क्या बोला गया था कि हम रिवर को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे उसको साफ रख सकते हैं जो गंदी हो चुकी है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।